हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रजिंदर बोल रहा हूँ नवांशहर डिस्ट्रिक्ट से। मैं आपके साथ एक अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मेरे बेटी के ससुराल वालों को संगमरमर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि हमें संगमरमर चाहिए, हम राजस्थान चलना है, चले तो हम इकट्ठे होके मकराना पहुँचे। मकराना जाकर जब हमने एक होटल लिया तो अभी हम रुके ही थे कि लाइट चले गई। उनको पूछा कि रात को भी ऐसे ही हुआ, बोले यही हुआ जी। चलो हमने लॉक किया, हम पत्थर देखने निकल पड़े, सारे घूमे, इधर उधर घूमते रहे। लास्ट में हम एक जगह रुके, उस लड़के का नाम था आसिफ गहलोत, उनसे हमने संगमरमर देखना शुरू किया। मैं आसिफ की क्वालिटी की बात यहाँ करना चाहता हूँ, आसिफ गहलोत की, कि उनका मिलने का वतीरा, उनका बिजनेस का तरीका इतना अच्छा है। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने पहले ये पूछा कि आपने खाना खाया, आप कहाँ रुके हो? हमने कहा हम होटल में रुके हैं, लाइट नहीं है। कहते बोले लाइट भी शाम तक शायद आएगी नहीं। तो उन्होंने हमें अपनी जिद के साथ हमारा सामान लेके आए और एक गेस्ट हाउस बना रखा है उन्होंने। उस गेस्ट हाउस में हमें रोका, जहाँ एसी लगा हुआ था, बेड लगे हुए थे, नहाने का सभी इंतजाम थे। हम पहले बोले आप फ्रेश हो, उसके बाद हम बात करते हैं, आप जो देखोगे रीजनेबल रेट लगेंगे। आपने आसपास सभी रेट पूछ ले होंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमारी रेट कैसे है। तो हम वहाँ रुके, स्नान किया और शाम को देखने निकल पड़े। आपको बाय गॉड मैं बताऊँ, वाकई में उनकी क्वालिटी थी पत्थर की और रेट भी रीजनेबल थे। और जो मुझे अब तक याद है, जिसके लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि उनका मिलने का तरीका, जो वो बिहेव करते हैं, उन्होंने बोला कि आप अगर नहीं भी लेना चाहोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन रुको यहाँ। तो इसके लिए मैं उन आसिफ गहलोत का सल्यूट करता हूँ उसको। तो मैं अब नवांशहर ज़िला है मेरा, और मेरे नाल ही जलंधर ज़िला है। मैं जलंधर ज़िले दे ते नवांशहर ज़िले दे, क्योंकि जलंधर मेरी बेटी ब्याही हुई है, ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 40 ਗਡਾਊਨ ਮਕਰਾਣਾ, 40 ਗਡਾਊਨ ਮਕਰਾਣਾ। ਉਸ ਕੋ ਆਪ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਏ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕੋ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤੋ ਵਹਾਂ ਜਾਏ, ਜਿਤਨਾ ਕਾ ਆਨੇ ਜਾਣੇ ਕਾ ਖਰਚਾ ਵੋ ਉਸ ਮੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਵੋ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇਗੀ। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जलंधर में मेरी बेटी के ससुराल के घर वो पत्थर लगा हुआ है, देखने लायक है चीज़। तो आप यूट्यूब चैनल 40 गोडाउन सब्सक्राइब कर लें। और उनका जो मतलब और भी काम है, जैसे हम मंदिर पत्थर का बनाना चाहते हैं।